प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सुनते आ रहे हैं बाबा जी वॉज लव पर्सोनिफाइड, और जहाँ प्यार है वहाँ बाबा जी हैं, और यही बाबा जी का दिया हुआ प्यार हमें आगे बांटना है। जब जब दो लोग एक दूसरे से बिना किसी भेदभाव प्यार कर पाएंगे, नफरत अहंकार से हट पाएंगे, प्यार को आगे बढ़ा पाएंगे, उन पलों में बाबा जी को अपने साथ पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें, उनका एहसास हमारे जीवन में बना रहे, तो उनका दिया हुआ प्यार हमें बांटना है। रिफ्लेक्ट हिज लाइट एंड बिकम हिज लव पर्सोनिफाइड। साध संगत जी, पटियाला के कई महापुरुषों ने बताया कि बचपन में भी जैसे जो कहता था बाबा जी उनकी बात मान लेते थे, कोई बच्चों वाली जिद उनमें कभी देखने को नहीं मिली। सब महापुरुषों के लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट थी। वे नम्रता वाला स्वभाव बाबा जी के जीवन में, उनके नेचर में शुरू से ही था। साध संगत जी, आपने वो जिक्र भी सुना जब बाबा जी सेठ जी के रूप में समागम ग्राउंड्स में सेवा कर रहे थे, तो पता चला कि राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी टेंटों में दर्शन देने के लिए आए हैं, तो बाबा जी भी वहाँ पहुँच गए। बाहर खड़े एक सेवादल के महापुरुषों ने उन्हें रोका और कहा, आप अंदर नहीं अभी जा सकते। तो बाबा जी अगर चाहते तो कह देते, मैं बाबा जी का बेटा हूँ, अपनी पहचान बताकर अंदर जा सकते थे, पर उन्होंने गुरसिक्खी को आगे रखा और सत वचन करके साइड पे खड़े हो गए। हम जब भी किसी महापुरुष की तारीफ बाबा जी के सामने करते थे या किसी के बारे में कोई पॉजिटिव बात करते थे, तो बाबा जी का चेहरा खिल उठता था। बाबा जी ने हमें हमेशा समझाया, ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज़ अ लाइफ वर्थ वाइल। साध संगत जी, बेकल जी से भी आप सब वाकिफ हैं। उन्होंने एक बार बताया कि किसी बुज़ुर्ग महात्मा जो उनके साथ किताबें लिखने में उनके साथ सेवा करते थे, किसी विषय पर उनके व्यूज़ आपस में नहीं मिले, तो बेकल जी ने मन में सोचा कि अब मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। और यह बात किसी तरह से बाबा हरदेव सिंह जी के पास पहुँच गई। उन्होंने बेकल जी को बुलाया और कहा, मुझे पता है आपकी बात ठीक है, लेकिन कल मैं आपको उन महात्मा के साथ बुलाऊंगा और आपको ही समझाऊंगा और आप उनसे माफ़ी मांग लेना। साध संगत जी, बेकल जी ने बताया कि मैं ये सुनकर बाहर आया तो सोचने लगा, बाबा जी बड़ों का कितना मान रखते हैं और हर किसी को बख्श देते हैं, और मैं इतनी सी बात को दिल पे लगा कर बैठ गया। और फिर बेकल जी ने बाबा जी का वचन मानकर उन बुज़ुर्ग महापुरुषों से माफ़ी मांग ली। फिर उन्हीं दिनों बेकल जी ने एक कविता लिखी जिसकी कुछ लाइंस ऐसी थी, हुक्म हंस के मन लिया समझो कि किस्मत हंस पे ही, भूल के भी जे ना निकल गई समझो कि किस्मत ठीक नहीं। साध संगत जी, कई बार विवेक शोक जी ने भी ये बात शेयर करते हुए बताया कि कैसे एक बार जब वो बाबा जी के साथ टूर पे थे, तो रात को जब उन्होंने बाबा जी का कुर्ता धोने देने के लिए उठाया, तो पॉकेट में से कुछ खून भरे टिश्यूज निकले। जब विवेक जी ने बाबा जी की तरफ देखा, तो बाबा जी ने बताया कि जब महापुरुषों के घर चरण डालने गए थे, तो सोफे में से एक कील निकला हुआ था जो बैठते वक्त बाबा जी को साइड पे चुभ गया, पर क्योंकि उन महापुरुषों को बुरा ना लगे, इसलिए बाबा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी पॉकेट में थोड़े से टिश्यूज़ रखे और पॉकेट में हाथ डालकर उसको वहीं पे दबा दिया। और हमें ज़रा सी ठोकर भी लग जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, जिसकी गलती हो उसे डांटते हैं, और कुछ नहीं तो निरंकार से गिला करते हैं, पर बाबा जी ने कभी इतना सा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो तकलीफ़ में हैं। उन्होंने हमेशा पर्दा ही डाला, सबकी गलतियों को अपनी मुस्कान में छिपाते रहे और माफ़ करते रहे। साध संगत जी, ये बात शायद 15-20 वर्ष पुरानी है,
मसूरी में एक दिन ट्रैकिंग करते समय हम पगडंडियों में काफ़ी नीचे उतर गए और वहाँ नीचे पहुँचे तो बाबा जी का एकदम पैर मुड़ गया और काफ़ी दर्द लग रहा था, हो रहा है, पर बाबा जी ने किसी को कुछ नहीं बोला और वही स्टीप पगडंडी चढ़कर जब हम ऊपर वापस मेन रोड पर पहुँचे और डॉक्टर के पास एक्सरे के लिए गए तो पता चला कि पाँव का मांस फट गया है और डॉक्टर ने 2-3 हफ्ते का बेड रेस्ट बोल दिया। बाद में घर पहुँच के बाबा जी ने हमें समझाने के लिए बताया कि एक पल के लिए मन में निराशा आई क्योंकि सैर, एक्सरसाइज, वॉलीबॉल खेलने का मौका सिर्फ मसूरी में ही मिलता था, पर अब वो 2-3 हफ्ते कुछ हो नहीं पाएगा। पर दूसरे ही पल जब निरंकार का ध्यान आया तो निरंकार की रज़ा का सोचकर मन शांत हो गया और पांव ठीक होने में बेशक उतना ही समय लगा जितना डॉक्टर ने बोला था, लेकिन मन में वही सहजता बनी रही। इसी प्रकार निरंकार का आसरा लेने से लाइफ की मुश्किलें कम हो ना हो, पर मन में जो परेशानियां, शिकायत और गिले आते हैं उनसे हम बच सकते हैं। सत्संग जी, अवनीत जी से भी आप सब वाकिफ हैं। बिकॉज ऑफ हिज लविंग, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल नेचर, इतने कम समय में उन्होंने सबको बहुत प्यार दिया और सबसे प्यार लिया। व्हाटएवर ही डिड, ही वॉज फुली डेडिकेटेड टू इट। चाहे वे क्रिकेट का फील्ड रहा हो, एक्टिंग का फील्ड रहा हो, या संगत में सेवा, सिमरन, सत्संग, वो पूरी डेडिकेशन के साथ उन्होंने की। वॉइस डिवाइन की रिकॉर्डिंग हो या समागम की कोई भी सेवा हो, जब भी उनको बुलाया, चाहे वो मुंबई हो या चंडीगढ़ हो, फौरन दिल्ली चले आते। कई बार सेवा के दौरान अगर महापुरुषों ने उनसे ऑटोग्राफ भी मांग लेना, पर अवनीत जी दिल में यही महसूस करते कि मुझे तो साधारण रूप में रहकर सेवा करने में ही आनंद आता है। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा गया है, जिन्हा दा कर्म जिंदा है कदे ओ मर नहीं सकते। एक बार प्रसिद्ध शायर जगजीत सिंह की याद में चंडीगढ़ में हुए एक प्रोग्राम में अवनीत जी ने किसी की पंक्तियां पढ़ते हुए कहा कि मैं ऐसे ही जीवन चाहता हूं, ऐसी ही जिंदगी जीना चाहता हूं। वो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। और ऐसी ही जिंदगी वो जी के भी गए जो सदियों तक याद रहेगी। साध संगत जी, जिस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी ने अगर एक बनो नेक बनो वाला नारा दिया, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने दिन रात अपने जीवन का एक एक पल देके उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि पूरी दुनिया में संत निरंकारी मिशन को वननेस या एकत्व के मिशन के रूप में जाना जाता है। साध संगत जी, हर गुरसिख का ये फ़र्ज बनता है कि बाबा जी की इस लेगेसी को उसी भाव से हम सब मिल के दुनिया के कोने कोने में पहुंचा पाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।